वेलकम टू टेक्निकल सम्राट। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे बिहार में कार्य पालक सहायक की भर्ती आ चुका है, जिनको मैं पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। ठीक है, इनके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी भारतीय के लोग मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। 10वीं पास जॉब है, ठीक है, और इनमें 18 से 37 साल एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल यानी कि सब भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताएंगे आपको कि एज क्राइटेरिया क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा प्रूफ आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, लास्ट डेट इनकी 31 मार्च है। ठीक है, तो अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए एक नंबर का जॉब है। ठीक है, आप कहीं से भी हो तो एक बार जरूर अप्लाई करें, मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा मौका है इस बार आप लोगों के लिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट, जैसे आप यूपी से हो, असम से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, जहाँ से भी हो, अप्लाई करो। बहुत अच्छा मौका है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का, कोई फॉर्म फीस नहीं लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं बोलूँगा आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करो, मोबाइल से भी कर लो, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं इनका ऑनलाइन वीडियो आपको बना के बता दूँगा कैसे कैसे ऑनलाइन करना है, वो भी अपने फ़ोन से। ठीक है, तो चलिए अब नोटिफिकेशन की बात कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस लाल कलर को बटन के दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मैं अभी आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शिवहर, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है shivharnic.in, यानी ये बिहार के शिवहर ज़िला का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो इनमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका नोटिस कहाँ से देखा जाता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आओगे, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, नोटिस पे आओगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा ये थर्नेट सुलह है, ठीक है, पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेसिस का खुल के आया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नोटिस 2019। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग डेट 7/3/2019 यानी 7 मार्च 2019 से लास्ट डेट इनकी 31 मार्च 2019। ठीक है, इनका यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके। तो ठीक है, आप तो इनकी मैं नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करके रखा, वहाँ से दिखाता हूँ नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, समरणालय शिवर जिला संस्था स्थापना शाखा। ठीक है, कार्यपालक सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर संविदा नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना। ठीक है, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जिला के अन्य कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यपालक सहायक के पद पर संविदा पर नियोजनार्थ पैनल निर्माण किया जाना है। इसके लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, इसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नलिखित है। ठीक है, सो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे तो ऑनलाइन सब भारत के सभी नागरिक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया नोटिफिकेशन में। ठीक है, आप ऑल इंडिया कैंडिडेट जो भी है सब अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल वालों के लिए उम्र कितनी है, एज क्या है, 18 से 37 साल, एससी के लिए 18 से 42, एसटी के लिए 18 से 42, ईबीसी के लिए यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं 18 से 40। ठीक है, तो अब नीचे बात करते हैं आपको क्या क्या इसमें अनिवार्य है। ठीक है, अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 1 अगस्त 2018 के आधार पर की जाएगी। विकलांग अभ्यर्थियों की संबंधित कोटि अधिकतम उम्र में सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी। ठीक है, इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा निर्गत 40% या अधिक विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। ठीक है, न्यूनतम योग्यता इनके पास आवेदक के शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक तथा उससे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम MS Word, MS Excel, MS PowerPoint आदि बेसिक जानकारी होना अनिवार्य, यानी कि आपके पास मैट्रिक किया हो यानी 10th पास हो तो इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो मैंने बताया अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और देख सकते हो उनके पास निम्न हार्डवेयर होना चाहिए जिसका उपयोग इन्हें नियोजन के कार्यालय में करना है। आपके पास ऐसा हार्ड डिस्क होना चाहिए खुद ले गए ना आपको, ठीक है, जो आप ऑफिस में काम करोगे। CPU होना चाहिए इंटेल कोर, ठीक है, i3 का, और चिपेस्ट होना चाहिए इंटेल। ठीक है, मेमोरी होना चाहिए 4GB मिनिमम, हार्ड डिस्क होना चाहिए 500GB का, मॉनिटर होना चाहिए 14 इंच LED। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए Windows 7। ठीक है, उनके बाद एडिशनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, एडोब PDF रीडर। ठीक है, ब्राउज़र होना चाहिए गूगल क्रोम का आपके पास, एडिशनल हार्डवेयर होना चाहिए ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल कीबोर्ड का। ठीक है, 1 लेजर प्रिंटर होना चाहिए ब्लैक वाइट का। ठीक है, 1 UPS होना चाहिए और 1 डाटा कार्ड, इंटरनेट
1 Mbps मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ठीक है। अब इनकी सैलरी की बात करें तो मैं सैलरी यहाँ पे बता देता हूँ मैं, मानदेय ठीक है, नियोजित होने पर आप नियोजित हो जाते हो, नियोजित होने पर अभ्यर्थी के प्रति माह 11,345 रुपये ठीक है एक मुक्त राशि दी जाएगी। कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग अलग से कोई राशि नहीं दे होगी, यानी कि आपका खुद होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। आपको जॉब लगेगा तो आपको सिस्टम लगाना होगा भाई, ठीक है लगने वाली है ठीक है। कॉन्सेबल आइटम्स पेपर कटिज आदि आपूर्ति नियोजन के कार्यालय द्वारा की जाएगी। इंटरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित नियोजित अभ्यर्थी द्वारा दे होगा, ठीक है। जो भी बिल उलोग आपको देना होगा, ठीक है। अब थोड़ा चयन की बात करें, चयन का आधार जिला स्तर प्राप्त आवेदकों के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन कमेटी द्वारा चैनल तैयार किया जाएगा, ठीक है पैनल तैयार किया जाएगा, जिससे नियमानुसार आदर्श आरक्षण सेंटर अनुरूप नियोजन करवाई करेगा, ठीक है। इसमें जो होता है ना फ्रेंड, जिला अधिकारी उन्हीं के अंतर्गत ये बहाली होंगे, ठीक है वही इनको बहाली करेंगे, वही सब कुछ करेगा, ठीक है। जिला के जो अधिकारी होते हैं, आवेदन की भरने की आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, आवेदन की जिला की वेबसाइट पर siohar.nic.in पर ठीक है उपलब्ध है, जिससे ऑनलाइन भरा जाना है, ठीक है। आवेदक को आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर अपना फोटो अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र के वर्णित सभी कागजों के दस्तावेज मूल प्रति एवं छाया काउंसलिंग के समय बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जिला पदाधिकारी सिंह चढ़ा है, और यहाँ पे siohar.nic.in ये वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई एक कमेंट जरूर करना प्यारा सा, और लाइक करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।